हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप ऐसा कीजिए कि सरस्वती की पूजा कर ही लीजिए। आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं आज आपको जेएनयू के बारे में बात करने वाला हूँ। जेएनयू में जितने भी पीजी के जो कोर्स हैं उनकी कब एग्जाम होने वाली है, क्या उसके सिलेबस आएगा, कहाँ उसकी एग्जाम होंगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी, ऐसे लेकर जेड तक की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना, और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ जेएनयू के कैंपस में जो मस्ती वस्ती करते हैं उसके भी थोड़ी सी फुटेज डाल दूंगा, तो इस वीडियो को आप वहां तक देखते रहना। तो चलिए यार, दिखाता हूँ जेएनयू। तो आपको नोटिस दिख रहा होगा, मेरे हाथ में भी ये नोटिस है, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी एग्जाम है वो मई के महीने में लगने वाली है, और अभी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब से एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे ये बात क्लियर हो जाएगी। इस माह के यानी फरवरी माह के लास्ट में, लास्ट तक 100% ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और बीएचयू में आज के दिन से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे बीएचयू वाला वीडियो नहीं देखा है तो बीएचयू वाला वीडियो एक बार जरूर से जाकर देख लीजिए। मैंने वहां पर भी सभी जानकारी आपको बीएचयू से संबंधित प्रोवाइड करवा दी है। तो बीएचयू में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अगर वीडियो बीएचयू वाला नहीं देखा था, बीएचयू वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करें जेएनयू की। दोस्तों आप जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एमएचयू, ऐसी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऐसी जो यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके बारे में हमेशा बात करता हूँ, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश की उन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में अपने चैनल पर बात करता हूँ। तो इनसे जुड़ी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी मैं आपको सभी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसके अलावा कैसे सिनॉप्सिस लिखेंगे, कैसे थीसिस लिखेंगे, ऐसे बहुत सी जानकारी अब आगे हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लेटर में लिखा है, द जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20 विल बी हॉल्ड इन मई 2019, यानी कि जो मई के महीने में इस एग्जाम को ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, द फॉर्मेट फॉर द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-19 and 20 विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ये ध्यान रखना, इससे पहले जितने भी जेएनयू के एग्जाम हुई हैं वो सभी सब्जेक्टिव हुई थी, लेकिन इस बार से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को कर दिया है। आगे देखते हैं, थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इस बार ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, और इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है, NTA, जो UGC नेट की एग्जाम लेता था पहले, वो एजेंसी इसको कंडक्ट कर रही है। तो आप लगा लीजिए इसका एग्जाम का लेवल भी कितना बढ़ जाएगा, और इस साल जो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में आने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग अपने जो तैयारी है उसी लेवल की कर लीजिएगा। अब मैं इसको आगे पढ़ देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कोर्सों में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। द सलेक्शन फॉर द BA जो कुछ कोर्सों में होता है, यानी अंडर ग्रेजुएशन, MA सभी में होता है, MSc, MTech, COP और DOP, ये जो कोर्स हैं उनके फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। और मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था जिसमें मेरे जितने भी दोस्त PhD और MPhil करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था, अगर वो भी वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये क्लियर हो ही गई हैं चीज़ें जो नोटिस के आधार पर, मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको दिल्ली आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सेंटर हैं वो आपके स्टेट की राजधानी में होने वाले हैं, यानी स्टेट में ही होने वाले हैं। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर में इसका सेंटर होगा, कोटा में होगा, अजमेर में होगा, उदयपुर में होगा, इस तरह से आपका जो भी राज्य है उसमें 2 से 3 इसके सेंटर आपको जरूर मिलेंगे। तो आपको दिल्ली आने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है और एग्जाम भी आपको ऑनलाइन अपने ही स्टेट से देनी है। अगर आप पास होते हो तो उसके बाद आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सवाल रहता है कि जितने भी ज़्यादा दोस्त मेरे इस समय अपियरिंग में हैं, यानी कि वो भी बैचलर कर रहे हैं, वो MA में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसकी जानकारी अभी सुन लीजिए, बाद में आप तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप फाइनल सेम में हो इस साल तो फॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि इसका जो बिल्कुल एडमिशन का जो प्रोसेस है चलते चलते अगस्त तक पहुंचता है, क्योंकि मई के महीने में तो एग्जाम लगने वाले हैं, जून जुलाई 2 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फिर और भी आपको समय मिलेगा, तो उसमें अगस्त तक इसका फाइनल जो सिलेक्शन है वो अगस्त तक हो जाएगा, जब तक आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन क्यों ना कर रहे हो।
वो आपका रिजल्ट जारी कर ही करी देंगे। तो अगर आप अपेयरिंग है तो भी यहाँ पे फॉर्म को लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि यार सिलेबस क्या आएगा। दोस्तों जैसा कि पता है आपको पैटर्न चेंज हो चुका है इस बार, तो पहले सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। तो क्या है कि आपका जितना भी यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस आता है आप उस पर फोकस करिए, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका फाइनल सिलेबस क्या होगा ये इसके नोटिफिकेशन पर ही पता लगेगा। अभी तक कोई ऑफिशियली सूचना नए सिलेबस के बारे में जेएनयू की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, जब तक आपका जो यूजीसी नेट का जितना भी आपका सिलेबस है आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि जेएनयू की बात हो रही है भाई आखिरकार, तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए। और जिन दोस्तों ने मेरे बीएचयू वाला फॉर्म वीडियो नहीं देखा है, बीएचयू वाला देख लीजिए, वहां पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी लिंक भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको वाइवा की जानकारी चाहिए, जैसे मेरा डीयू जेएनयू का जितना भी मेरा अनुभव रहा है निजी अनुभव, उसके आधार पर मैंने आपको ये वीडियो बना रखा है, जैसे मैंने साक्षात्कार इंटरव्यू वाइवा के बारे में बता रखा है, कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो सीरियसली लाइफ चेंजिंग वीडियो है। अगर आप किसी भी अच्छी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर से देखना। इसके अलावा आप सिनोप्सिस बनाना चाहते हो, प्रपोजल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा आपको कैसे टॉपिक चुनना चाहिए उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। ऐसे तमाम ए से लेकर जेड तक, यानी कि मेरा जो टैगलाइन था वो यही था कि मैं इस चैनल के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट से लेकर चाहे कोई भी कोर्स का क्यों ना हो थीसिस बाइंडिंग तक का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो 1-2 आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं अब थोड़ा सा जेएनयू का भ्रमण और दिखा देता हूं, वो और देख लीजिए। चलिए शुक्रिया। सब्सक्राइबर को जेएनयू की आबो हवा, जेएनयू की लाइफ स्टाइल दिखा देता हूँ यार भाई। चाहता हूँ कि लोग इंस्पायर हो यार एजुकेशन के प्रति, और यहाँ आए, यहाँ हम हैं, यहाँ पर आओ आप, यहाँ है सब कुछ। मैं मानता हूँ मैं इतना समय टाइम नहीं दे पाता, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आप ना जुड़ोगे, आप मुझे सवाल करोगे, मुझसे कमेंट्स करोगे, मुझे लगातार वीडियो को लाइक करोगे, व्यूज आएंगे, तो मतलब मैं भी इंस्पायर होता हूँ ना यार वीडियो बनाने के लिए। आप मुझसे जितने जुड़ोगे, जितने कमेंट्स करोगे, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उतनी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप ना जितना हो सके उतना मुझे कमेंट्स किया कीजिए, ताकि मैं उन कमेंट्स को देखकर आपके सभी सवालों को ले सकूं और आगे बात कर सकूं कि यार हाँ हमें जेएनयू के बारे में ये चीज़ कवर करनी चाहिए, हमें डीयू के बारे में ये चीज़ें कवर करनी चाहिए, जामिया इस्लामिया के बारे में ये चीज़ कवर करना चाहिए, या फिर जेएनयू में लाइफ स्टाइल कैसी है उसके बारे में। बस तमाम ऐसी जानकारी हैं जिनके बारे में बड़े भाई आप फोकस में क्यों नहीं रखा हो आप ये रहे। मैं तो कह रहा हूँ लोगों से कि आप मतलब जितनी कमेंट्स किया करो, मुझे जितनी ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा मैं चीज़ों को उनको बताऊंगा ना, यहाँ पे चीज़ों को खोल खोल के, भाई ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, फिर ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तो टाइप की वीडियो बनाऊँ। तो आज हम बैठे थे ऐसे पार्क में गए थे, तो सोचा कि वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो आज बड़े भाई सुनील कुमार जी डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो आज छुट्टी जल्दी हुई थी उनकी, तो हम दोनों भाई आ गए थे यहाँ पे। तो दोस्तों अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ये बात इस पर मैं बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा।
और क्या ये अभी हमारे हम पीएसआर पार्क में पार्सागराव पार्क जेएनयू में डॉक्टर लोकेश कुमार एकदम हीरो लुकिंग में और इनके पीछे अगर हम देखेंगे तो इस पेड़ के पीछे कुतुब मीनार शायद थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये पेड़ बीच में आ रहा है और लोकेश जी को पीएसआर पार्क जो कि जेएनयू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इन पहाड़ियों की चोटी में सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हैं मैं कहूँगा कि कूदने की कोशिश ना करें अगर पैर फिसला तो अभी दो दिन की बात रिपीट ना हो जाए दिखाए,